तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक महाजन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेनेरिक टेकी। सो गाइज, आप देख सकते हो मेरे हाथ में है रेडमी K20। एंड इस वीडियो सेशन में एज ए प्रॉमिस्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ फुल कैमरा कंपैरिजन जी कैम वर्सेस स्टॉक कैमरा रेडमी K20 में। सो हम जी कैम को डाउनलोड करेंगे, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके जी कैम को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे अगर आपको अच्छी लगी, एंड ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। दोस्तों, ये रहा सबसे पहला डे लाइट शॉट। आप देख सकते हो दोनों ही इमेजेस बहुत अच्छी आई हैं, बहुत 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 अच्छी डिटेलिंग है दोनों ही इमेजेस में। लेकिन अगर आप ध्यान थोड़ा दो तो जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सपोज किया है स्टॉक कैमरा ने। सो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टॉक कैमरा की इमेज अच्छी है, दोनों इमेजेस काफ़ी अच्छी है, डिटेल जी कैम मेंटेन रखता है, स्टॉक कैमरा ज़्यादा अच्छे से एक्सपोज करता है इमेज को, डिटेल भी मेंटेन करता है। सो अगर आपको डायरेक्टली आउट ऑफ द फोन फोटो पिक करना हो तो आप स्टॉक कैमरा का करोगे, लेकिन हाँ ऑब्वियसली जी कैम का फोटो आप एडिट कर सकते हो। तो प्रेफरेंसेस आपकी हैं, आपको ज़्यादा अच्छी एक्सपोज इमेज चाहिए या जी कैम की टू द नेचुरल साइड ज़्यादा चाहिए तो आप उस हिसाब से पिक कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट की बात करूँ तो ये रहा पहला पोर्ट्रेट शॉट। पोर्ट्रेट शॉट में आप देख सकते हो दोनों ही फोन्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। स्टॉक कैमरा की बात करूँ तो बहुत अच्छे से ब्लरिंग हुई है, जी कैम में बहुत अच्छे से ब्लरिंग हुई है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सपोज किया है स्टॉक कैमरा ने। एंड जब भी हम पोर्ट्रेट शॉट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट अच्छे से एक्सपोज होना चाहिए। सो पोर्ट्रेट शॉट में फॉर श्योर मैं स्टॉक कैमरा को प्रेफर करूँगा। एंड जो वो आप इस इमेज में देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से जो है एक्सपोज किया है स्टॉक कैमरा ने पोर्ट्रेट शॉट लेते हुए। मैं आपको इमेज को जूम करके दिखाऊं तो आप जूम करके देख सकते हो सब्जेक्ट ज़्यादा सुंदर लग रहा है स्टॉक में। जी कैम में टू द नेचुरल साइड ज़्यादा है, डिटेलिंग वेल मेंटेन्ड है। तो अगर आप एडिट करते हो इमेजेस को तो जी कैम, लेकिन आउट ऑफ द फोन आपको फोटो चाहिए तो स्टॉक कैमरा। ये रही लो लाइट शॉट। लो लाइट शॉट में स्टॉक कैमरा जो है वो इमेज को ज़्यादा एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण जो है इमेज टू द नेचुरल साइड नहीं लग रही। अगर आप जूम करके फ्लोर की तरफ देखोगे तो जी कैम ने जो है फ्लोर काफ़ी नेचुरली कैप्चर करा है। इनफैक्ट जो पीछे दो ऑब्जेक्ट्स हैं येलो एंड रेड वो भी काफ़ी नेचुरल लग रहे हैं। तो जी कैम जो है लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है। बट अगर यहाँ पे हम अगली लो लाइट इमेज देखें तो यहाँ पे आप कहोगे कि यस, स्टॉक कैमरा भी बहुत अच्छा काम करता है। स्टॉक कैमरा आगे पीछे की लाइट्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ करके इमेज को जो है ज़्यादा अच्छे से एक्सपोज करता है, लेकिन जी कैम टू द नेचुरल साइड ज़्यादा रखता है इमेज को। तो आपकी प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का पिक्चर पसंद आता है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक लो लाइट शॉट है। लो लाइट शॉट मतलब काफ़ी ज़्यादा लो नहीं थी, बट यहाँ पे मैंने डायनामिक रेंज चेक करने के लिए लिया था। दोनों ही फोन्स में काफ़ी अच्छी डायनामिक रेंज आपको देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप ट्रीज की तरफ ध्यान से देखोगे तो ज्यादा डिटेल जी कैम जो है वो मेंटेन करता है। ये भी एक लो लाइट शॉट है, आपको कोई भी डिफरेंस जनरली नहीं देखने को मिलेगा। ये ज्यादा लो लाइट नहीं है, थोड़ा लो लाइट था, शाम होने वाली थी, बट डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं जैसे ही मैं इमेज को जूम करूंगा। आप देखोगे नॉइस लेवल मेरे हिसाब से स्टॉक कैमरा ने ज्यादा अच्छे से मेंटेन करा है, लेकिन जी कैम भी ज्यादा पीछे नहीं है। अगर आप ट्री की तरफ स्पेशली देखोगे तो डिटेलिंग जी कैम मेंटेन करता है। सो ओवरऑल ये पिक्चर जो है वो टाई है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि जी कैम की अच्छी है या स्टॉक की अच्छी है। ये रहा एक और लो लाइट शॉट, यहाँ पे भी आपको ज़्यादा जो है डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे नॉर्मली, लेकिन जैसे ही आप जूम करके देखोगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ट्रीज़ की तरफ अगर आप नज़र डालो तो आपको जो वेल मेंटेन्ड डिटेल्स हैं वो जी कैम प्रोवाइड करता है। सो अगर लो लाइट में मुझे पिक करना हुआ तो मैं जी कैम का पिक्चर को पिक करूँगा, लेकिन बात आती है जब मैं नाइट मोड ऑन करूंगा तो ये एक्सट्रीम डार्क कंडीशंस का नाइट मोड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। बात आएगी जैसे ही मैं एक्सट्रीम डार्क कंडीशंस में नाइट मोड को यूज़ करूंगा दोनों कैमरा से, तो उस समय आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा परफॉर्म करता है। एंड यस, ये वो इमेज है जहाँ पे एक्सट्रीम डार्क कंडीशंस थी, एंड जी कैम ने यहाँ बताया कि एक्सट्रीम डार्क कंडीशन में मैं ही मास्टर हूँ। एंड जी कैम की इमेज जो है वो बहुत 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 उम्दा निकल कर सामने आई है। इनफैक्ट कलर्स भी काफ़ी अच्छे से इसने मेंटेन रखे हैं, बहुत अच्छी इमेज आई है। तो ये भी आप एक इमेज देख सकते हो जी कैम ने जो है सेम कंडीशन में ली गई इमेज है और जी कैम ने बहुत अच्छे से कैप्चर करा है। आप बाघ की तरफ स्पेशली नज़र डालिए, स्टॉक कैमरा ने यहाँ पर वॉश आउट कर दिया डिटेल्स को, बट जी कैम ने मेंटेन रखा है डिटेल्स को, जो बहुत अच्छी बात।
साथ है। ये भी आप एक और इमेज देख सकते हो जो एक्सट्रीम डार्क कंडीशंस में नाइट मोड में ली गई इमेज है। स्ट्रीट लाइट्स का थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है दोनों ही कैमराज ने ऑब्वियसली, बट नाइट मोड जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है एक्सट्रीम डार्क कंडीशंस में। जी कैम में, जी कैम यहाँ पे बाजी मारेगा एंड श्योर मारेगा। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि लो लाइट कंडीशंस में एंड एक्सट्रीम डार्क कंडीशंस में जी कैम जो है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो नाइट मोड में लिए गए इमेजेस हैं ये लो लाइट में, लेकिन स्टॉक कैमरा का जो है अच्छे से एक्सपोज हुआ है तो आई को ज़्यादा प्लीज कर रहा है, लेकिन जी कैम का इमेज टू द नेचुरल साइड ज़्यादा है। सो अगेन डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा टाइप का इमेज पसंद आता है। लो लाइट के बाद अगेन मैं यहाँ पे एक्सट्रीम डार्क कंडीशंस में आ गया हूँ। आप देख सकते हो जी कैम का रिजल्ट कितना अच्छा है अगर मैं उसको डायरेक्टली कंपेयर करूँ स्टॉक कैमरा के एक्सट्रीम डार्क कंडीशंस रिजल्ट्स के साथ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो देखने के बाद एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि जी कैम कैसा परफॉर्म करता है इस पर्टिकुलर फ़ोन में एंड क्या वो स्टॉक कैमरा से अच्छा परफॉर्म करता है कि नहीं करता है। एंड आपने ज़रूर देखा होगा कि कुछ कंडीशंस में जी कैम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट कुछ कंडीशंस जैसे पोर्ट्रेट शॉट्स की स्पेशली बात करूँ तो रेडमी K20 का जो स्टॉक कैमरा है वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट शॉट्स लेता है, एज डिटेक्शन बहुत अच्छे से करता है। सो यही है डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन स्टॉक वर्सेस जी कैम। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल गई होंगी। सो आज की वीडियो बस इतना ही, इन दैट आई विल से जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।